संभागीय परिवहन विभाग के वर्तमान कार्यालय को 11 से 13 अगस्त तक नए कार्यालय गीडा में स्थानांतरित कर दिया जाएगा, जिसके संबंध में सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी श्यामलाल ने बताया कि 11 से 13 अगस्त तक फिटनेस कार्य को छोड़कर वाहन पोर्टल संबंधी समस्त कार्य बाधित रहेंगे। उन्होंने कहा कि संभागीय कार्यालय 11 से 13 अगस्त तक वाहन के फिटनेस कार्य को छोड़कर वाहन संबंधी अन्य समस्त कार्य जैसे वाहन हस्तांतरण, पंजीयन प्रमाण पत्र, नवीनीकरण परमिट, नए वाहनों का पंजीयन कार्य बाधित रहेगा और 14 अगस्त को शनिवार एवं 15 अगस्त को रविवार, जो कि सार्वजनिक अवकाश है, जिसको देखते हुए सभी कार्य 16 अगस्त से नए संभागीय कार्यालय सेक्टर 22 गीडा प्लॉट P1 में शुरू किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस दौरान लाइसेंस संबंधी कार्य DTI चरगावा में पहले की भांति जारी रहेंगे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी श्यामलाल ने कहा, नव निर्मित भवन सेक्टर 22 गीडा में हमारा नया संभागीय परिवहन कार्यालय बनकर तैयार हुआ है, जिसका माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा दिनांक 5/7/2021 को लोकार्पण भी किया जा चुका है। उसमें हमारे कार्यालय से सभी रिकॉर्ड चले गए हैं। हमारे यहाँ से 11, 12, 13 को ये कार्यालय बंद रखते हुए समस्त फर्नीचर से लेकर के जितने भी यहाँ पर कंप्यूटर सिस्टम रखे हुए हैं, सबको हम लोग हस्तांतरित करने का काम करने जा रहे हैं तथा 15 अगस्त को झंडारोहण का कार्य वहीं पर संपन्न किया जाएगा। इसके साथ ही साथ लाइसेंस संबंधी समस्त कार्य अभी DTI में चल रहे हैं, वो यथावत चलते रहेंगे तथा फिटनेस का कार्य अभी होता रहेगा। केवल वाहन से संबंधित गाड़ियों का काम ही केवल जो है किया जाएगा, उसी पर केवल रोक लगाई जा रही है 3 दिन के लिए, 3 दिनों प्रतिबंधित रहेगा। सर, 16 तारीख से क्या जिसको लाइसेंस बनवाना हो गया तो संबंधित कार्य गीडा में जा सकता है? लाइसेंस से संबंधित समस्त कार्य चूँकि DTI चरगावा में संपन्न किया जा रहा है, इसलिए लाइसेंस संबंधित समस्त कार्य चरगावा में ही संपादित होंगे। केवल वाहनों से संबंधित कार्य जो है गीडा में संपन्न किया जाएगा। कितने तारीख से कार्य प्रारंभ होगा गीडा में? कार्य कितने तारीख से प्रारंभ हो जाएगा? 16 अगस्त 2021 से कार्य प्रारंभ कर दिया जाएगा।